सराफा व्यापारी केतन कामदार पर जानलेवा हमला कर लाखों का माल लूटने वाली बिट्टू की गैंग का एक साथी पुलिस के हाथ लग गया। बताया जाता है कि बिट्टू ने लूट के जेवर उसी के पास छिपा कर रखी थी। पकड़ा गया आरोपी नया गोदाम कामठी निवासी अमित संतोष खरे। बताया गया इस मामले में पहले ठक्कर ग्राम निवासी अजय उर्फ बिट्टू राम सवसेरिया, अनिकेत उर्फ अन्नु मनोज बरोंडे, अंकित हरिराम बिरहा, बुद्धनगर निवासी प्रज्वल राजू विजयकर, श्रेयस राजू विजयकर और वैशाली नगर निवासी कैलाश राजू सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को पुलिस ने 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उन्हें 22 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। आरोपियों ने बड़े ही शातिर तरीके से लूट की योजना बनाई थी। पुलिस को कोई लोकेशन या जानकारी न मिले इसके लिए अपने फोन घर पर ही छोड़ दिए थे। आरोपियों ने तय किया था कि लूट के बाद सभी 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे, किसी से कोई संपर्क नहीं करेगा। 6 महीने बाद आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए वापस मिलने वाले थे। केतन को जख्मी करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बिट्टू ने उन्हें डराने के लिए चाकू से हमला कर दिया। इस वजह से अन्य आरोपी बिट्टू से नाराज हो गए थे। बिट्टू ने लूट का माल अपने मामा अमित खरे के पास छिपा दिया था। बिट्टू, अनिकेत और अंकित भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। युवा वॉरियर नामक संगठन में वे सक्रिय थे। इसमें का जो मुख्य आरोपी है बिट्टू समशेरिया, उसने हमारे पास कबूली दी थी कि उसने जो सराफा व्यापारी से सोना चुराया था, सोना और कैश, वो उसने कहीं छुपा के रखा है और जो चाकू यूज़ किया था उसने क्राइम में, वो भी उसने कहीं छुपा के रखा है। ऐसा उससे बताने से उसका हम कल मेमोरेंडम पंचनामा करके उस वो हमको कामठी में लेके गया, जो घोरपड़ गांव है वहाँ का एक रिमोट एरिया है, यानी कि वो खेत है, वहाँ पर एक घर है 2 रूम का जिसकी छत नहीं है। वो रात भर वही जब यहाँ से गुनाह करके भागे थे तब वो तीनों आरोपी वही रुके हुए थे रात भर, तो वहीं पर उसने वो चाकू और जो सोना था, जो 1340 ग्राम सोना वहाँ पे उसने छुपा कर रखा था। लेकिन उस दरमियान उसने ये भी बताया कि उसने बाकी जो 2 आरोपी उसके साथ थे उनको नाश्ता लाने भेजा, और उस टाइम में उसने अपने मामा से कांटेक्ट किया जिसका नाम अमित संतोष खरे है, जो कि कामठी एरिया में स्वीपर कॉलोनी में नया गोदाम में रहता है। उससे कॉन्टैक्ट करके उसके पास भी 2 किलो सोना और 2.5 किलो की चांदी की एक ईंट, ये उसके पास भी उसने दिया था छुपा कर रखने के लिए। तो हमने वो भी आरोपी से और दोनों आरोपियों से कल रिकवर कर लिया है, और आज हम वो अमित खरे का PCR ले रहे हैं, और आगे और क्या क्या इसमें निकलता है और कि कौन प्लानिंग में और कौन इन्वॉल्व है उस बारे में हम उसकी जांच कर रहे हैं। वो जो सोना मिला है उसने जो वो रूम में जो पत्थर रखे थे वो पत्थर के नीचे उसने रखा था, और जो उसके मामा है उसके मामा ने उसके घर में ही छुपा के रखा था, वो तो उसे जब्त कर लिया गया है। और जो आरोपी है, जो 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए थे, उनका 22 तारीख तक PCR मिला है। आज हम 7वें आरोपी को भी कोर्ट में हाजिर करने वाले हैं, उसका भी PCR लेके फिर ये और इस प्लान में कौन शामिल है और क्या क्या उसका प्लानिंग था, कहाँ क्या क्या करने वाले थे, इस बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज नागपुर। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।